दिस इज आर के शुक्ला एक्स फैकल्टी ऑफ एल एन कोटा एज वेल एज आकाश इंस्टीट्यूट जनकपुरी दहली एंड नाउ अडेज एट नीट विनायक यूट्यूब चैनल एंड प्रखर इंस्टीट्यूट फॉर नीट ग्वालियर तो बच्चों अभी हम बात कर रहे हैं नीट टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी सिक्स के लिए हम बात कर रहे हैं सीरीज की और उसमें अभी हम ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं और आज ब्रीदिंग का दसवा लेक्चर है सेकेंड लास्ट लेक्चर है कल ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो हम अगले चैप्टर के साइड में जाएंगे आज हमें बात करना है रेगुलेशन ऑन रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन पर होने वाला जो रेगुलेशन है जो कंट्रोल है मुझे बताओ रेस्पिरेशन ब्रीदिंग एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसको कौन कंट्रोल करता है इसको हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है और हमारे ब्रेन का तीन हिस्सा है फोर ब्रेन मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन और इसमें इसको जो कंट्रोल करने वाला हिस्सा है वो हाइंड ब्रेन में पाया जाता है इस बात को याद रखना है तो चलिए बात करते हैं इन बातों को हम यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं इन बातों को हम यहाँ पर जानने का प्रयास कर रहे हैं इनको अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं ठीक है सो so, ये बॉडी फ्लूड एंड एक्सचेंज का सेकंड लास्ट या दसवा क्लास है टेंथ क्लास है देखो अभी हमने क्या बात किया था हमने बात किया था कि एटमोस्फियर से एयर का लंग्स में पहुंचना क्या कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन

ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज मतलब लंग्स की ऑक्सीजन का सेल तक पहुंचना और सेल में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स में पहुंचना दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। इन दोनों के बारे में हम बात कर चुके हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं और इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं अभी हमें बात करना है रेगुलेशन ऑन रेस्पिरेशन और उसमें भी खास तौर से हम जो बात करते हैं तो रेगुलेशन ऑन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का जो ट्रेडिशनल नेम है वो ब्रीदिंग है इस बात को याद रखना और ये एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में एयर का एक्सचेंज है अब इसको ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको कैसे कंट्रोल करता है इस बात को हम यहां समझने का प्रयास कर रहे हैं तो देखो हमारे हमारे ब्रेन का तीन पार्ट है फोर ब्रेन मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन 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 एंड मिड नथिंग टू डू विद द रेगुलेशन ऑन ब्रीदिंग ब्रीदिंग के रेगुलेशन से न तो ब्रेन का कोई संबंध है न मिड ब्रेन का कोई संबंध है इसका संबंध किससे है हाइंड ब्रेन से है और हाइंड ब्रेन में भी देखो तीन हिस्सा है पहला सरी नथिंग हैव टू डू विद रेगुलेशन ऑन ब्रीदिंग सैरी बेलम को ब्रीदिंग के रेगुलेशन से कंट्रोल से कुछ भी नहीं करना है तो किसे करना है पोन्स बैरोलाई को करना है और मेडिला ऑबलोंगेटा को करना है ये हाइंड ब्रेन के दो पार्ट पोन्स बैरोलाई एंड मेड्यूलाटाबल फॉर रेगुलेशन ऑन ब्रीदिंग पर रेगुलेशन के लिए ये दो पार्टिबल है मेड्यूला ऑबलोंगेटा well ये टू पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए ब्रीदिंग पर रेगुलेशन के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है हम थोड़ा सा बात करते हैं अब यहां पर जरा इसको कुछ बातों को समझने की जरूरत है देखो पॉन्स बैरोलाई में एक सेंटर है न्यूमोटेक्सिक्स सेंटर दिस इज बैरियर फॉर इंस्पिरेशन ये क्या करता है इंस्पिरेशन को रोकने का काम करता है सो so, याद रखना पोन्स बैरो टैक्सिक सेंटर देखो इंस्पिरेशन में कितना टाइम लगता है लगभग दो सेकंड का टाइम लगता है उसके बाद इंस्पिरेशन के दो सेकंड के बाद इंस्पिरेशन को रोकने का काम इसको स्टॉप करने का काम कौन करता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर विच इज फाउंड इन पॉन्स बारोलाई दैट्स बाय न्यूमोटेक्सिक सेंटर इज कंसिडर्ड एज बैरियर फॉर इंस्पीरेशन एज वेल एज स्टीमोलेटर फॉर एक्सपीरेशन फिर मेडिल अबलोंगेटा में एक सेंटर है रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर ज मेन सेंटर फॉर मेन सेंटर फॉर इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन को रेगुलेट करने का जो मेडिला मेडिलोबलोंगेटा में मेन सेंटर है दिस इज रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर इस बात को अच्छी तरह से याद रखना ये कौन सा सेंटर है ये रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर ये मेडिला मेडिलोबलोंगेटा में होता है और ये इंस्पीरेशन को कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को थोड़ा सा और समझने की यहां पर कोशिश करते हैं देखो रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर कहां पर है इट इज फाउंड इन मेड्यूला ये यह मेड्यूलाब्लोंगेटा के बगल में है एंड दिस इज सेंसिटिव फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन इसका मतलब अगर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड एंड एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर स्टीमुलेट हो जाएगा बेटा ये बेसिक बात अच्छी तरह से याद रखना कि रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर इट इज फाउंड इन मेडिला ऑबलोंगेटा एंड सेंसिटिव फॉर इट इज सेंसिटिव फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइक्साइड बढ़ेगा और एच प्लस कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर क्या हो जाएगा यह सेंटर स्टीमुलेट हो जाएगा इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है इस इस सेंटर का क्या हो जाएगा इस सेंटर का स्टीमुलेशन हो जाएगा इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करना है। अब सवाल इस बात को है कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड और एच प्लस आय के बारे में इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा तो तीन सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिलेगा पहला सोर्स है एरिया एरिया और ये रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर के बगल में ही मेडिला ऑबलोंगेटा में ही पाया जाता है दूसरा सेंटर है कैरोटिड बॉडी ये कैरोटिड आर्टरी के बाइफर्केशन पे होता है और तीसरा है एयल्टिक बॉडी ये एयरटा पर पाया जाता है तो ये तीन सोर्सेस हैं जहां से रेस्पिरेटरी सेंटर को इंफॉर्मेशन मिलेगा किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज एच प्लस आइन कंसंट्रेशन अब सवाल इस बात का है कि जब इसे इंफॉर्मेशन मिलेगा तो आखिर ये करेगा क्या अब जरा ध्यान से समझो कार्बन डाइऑक्साइड और एच प्लस कंसंट्रेशन अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा है याद रखना अगर ये कम है तो ये सेंटर इनएक्टिव रहेगा अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो क्या होगा इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगा बॉडी कैरोटिड बॉडी और कीमोसेंसिटिव एरिया से कहा जाएगा ये आर आर ऑफ़ हाइंड जाएगा और ये सेंटर इस इंफॉर्मेशन को कहा भेजेगा डेल एज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स अच्छी तरह से याद रखना अगर कार्बन डाइऑक्साइड एंड एच प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है बेटा समझ लेना इसको अच्छी तरह तो यह इंफॉर्मेशन एल्टिक बॉडी कैरोटिड बॉडी और सेंसिटिव एरिया कहां भेजेगा आरआरसी को आरआरसी आर हो जाएगा और इंफॉर्मेशन भेजेगा डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और जब यहां तक आरआरसी का मैसेज आएगा तो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और जब इनमें हो जाएगा तो क्या होगा इंस्पिरेशन होगा बच्चों इस बात को याद रखना, अन, याद रखना अगर इसमें डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा इंस्पिरेशन हो जाएगा और इंस्पिरेशन कितना सेकंड चलेगा टू सेकंड कुल मिला के चलेगा अब उसके बाद क्या होगा इसको समझो इंस्पिरेशन का दो सेकंड कंप्लीट हुआ ठीक है अब दो सेकंड कंप्लीट हुआ तो बॉडी में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ गई और जो पोन्स बैरोलाई में न्यूमोटेक्सिक सेंटर है ये ये याद करो न्यूमोटेक्सिक सेंटर ये ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव है तो दो ब्रीदिंग के दो सेकंड पर जब ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो सेंटर क्या हो जाएगा हो जाएगा और जब ये स्टीमुलेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा आरआरसी को इनहिबिट कर देगा और आरआरसी को इनहिबिट कर देगा याद रखना आरआरसी को इनहिबिट कर देगा और जब आर आर सी रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर जो कि मेडिल ऑबलोंगेटा में है अगर इसको स्टॉप किया जाएगा अगर इसको स्टॉप किया जाएगा आर आर सी को अच्छी तरह से याद रखना तो डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाएगा जिससे इंस्पिरेशन रुक जाएगा ठीक है इसके अलावा न्यूमोटेक्सिक सेंटर क्या करेगा ये एक्सपीरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है याद रखना रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर या इंस्पिरेटरी सेंटर को ये स्टॉप करता है और ईसी और एक्सपीरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है ये भी मेडिला ऑबलोंगेटा में होता है तो ईसी इंफॉर्मेशन भेजेगा ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को अपना इंफॉर्मेशन देगा अच्छी तरह से याद रखना बेटा न्यूमोटेक्सिक सेंटर कहाँ पर है पोन्स बायरोलाई में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ी ये स्टिमुलेट हो गया इसने आरआरसी को इनहिबिट किया जिसके चलते इंस्पिरेशन स्टॉप हो गया और इसी को स्टिमुलेट किया इसी ने इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन करवा दिया जिससे कि एक्सपीरेशन हो गया अब अगर इस सारा मैकेनिज्म को एज ए होल हम देखें तो ध्यान से देखो ये पोंस बारोलाई और ये मेडिला अबलोंगेटा कार्बन डाइऑक्साइड और एच प्लस आइन कंस का कंसेंट्रेशन बढ़ा इसका इंफॉर्मेशन एयल्टिक बॉडी कैरोड बॉडी और कीमो सेंसिटिव एरिया से कहा पहुंचा आरआरसी में आरआरसी ने इसको ट्रांसफर ट्रांसफर कर दिया डाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को जिसके चलते इन दोनों में कॉन्ट्रैक्शन हुआ और जब डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है इंस्पिरेशन होता है और जब इंस्पिरेशन होगा तो ब्लड में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो पोन्स बारोलाई का न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या हो जाएगा स्टिमुलेट हो जाएगा ये सेंटर रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टॉप कर देगा और ईसी एक्सपीरेटरी सेंटर को स्टीमुलेट करेगा और यह सेंटर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को स्टीमुलेट करेगा इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसके चलते एक्सपीरेशन हो जाएगा तो बच्चों कुल मिलाकर इतनी सी बात बच्चों कुल मिलाकर इतनी सी बात आपको समझना है कि इसमें ब्रीदिंग में जिसको मैं समझता हूं आपने समझ लिया है अभी और ज्यादा इसमें कुछ भी आपको समझने की जरूरत नहीं है ठीक है तो <clears throat> मेरे ख्याल से रेगुलेशन ऑन ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन आपको समझ आ गया होगा ठीक है अगर आ, और कल के लेक्चर कल का लेक्चर हमारा ब्रीदिंग का लास्ट लेक्चर होगा और इस लास्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे रेस्पिरेशन बच्चों अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा प्रयास आपकी स्टडी में सहायता करता है कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करता है मेरा प्रयास आपको फायदा पहुंचाता है तो आपको आ, मेरे चैनल नीट विनायक यूट्यूब चैनल चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करना ही चाहिए प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें ओके ऑल द बेस्ट